योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने घर पर फलाहार आयोजन रखा है। बीजेपी ने उन सभी नेताओं को बुलाया है जो जीत में सहभागी रहे। गोरखपुर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, ये योगी आदित्यनाथ का जश्न मनाने का भी एक अलग अंदाज देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि फलाहार पार्टी जो रखी गई है। जी हाँ, कल जो है नवरात्रि का पहला दिन है और कल ही वो गृह प्रवेश करेंगे योगी आदित्यनाथ, और कल चूंकि वो खुद ही नवरात्र में फलाहार पर रहते हैं तो बीजेपी के उन नेताओं को बुलाया गया है जो जीत में उनका बड़ा योगदान रहा था, मैनेजमेंट से लेकर के और तमाम प्रचार वगैरह में। उन सभी बीजेपी के नेताओं को उन्होंने फलाहार के लिए न्योता भेजा है, सबको फोन कर करके बुलाया जा रहा है। और साथ ही गोरखपुर से उनके वो साथी भी रहेंगे योगी आदित्यनाथ के, जो लंबे अरसे से उनके साथ रहे हैं उनकी राजनीति में भी, और उनके जो ट्रस्ट वगैरह का काम देखते हैं उनमें से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है कल इस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल योगी आदित्यनाथ ने फलाहार पार्टी रखी है। जीत में जिन जिन लोगों का योगदान रहा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत में, उन्हें सबको बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है, और कल ही गृह प्रवेश भी करेंगे मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।